हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हाइड्रॉलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पिछले लेक्चर्स में हमने मैटर के फेजेस क्या हैं उसके बारे में, और सॉलिड और फ्लूड क्या होता है इसके बारे में, सॉलिड और फ्लूड में क्या बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में भी हमने देख लिया। मतलब मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सॉलिड और फ्लूड में डिफरेंस। तो क्या होता है कि सॉलिड में जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं, तो एक एब्सोल्यूट डिफॉर्मेशन होता है, कह सकते हैं आप। मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि शियर स्ट्रेस कितना अप्लाई किया गया है। जैसे कहने का मतलब कि ये अगर सॉलिड है एक, अगर हम इस पर शियर स्ट्रेस लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एंगुलरली क्या हो जाएगा, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। जो इस डिफॉर्मेशन को एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, इसको अल्फा या फिर थीटा से दिखाते हैं, और यही लिमिटिंग केस में आप पढ़ते हैं टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे एल होता है, जो कि लिमिटिंग सेंस में टेन थीटा क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। मतलब जब थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में विकृति आप मतलब सीयर ऐसे तो ये क्या है, सीयर स्ट्रेन है, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन है। अल्फा क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन है, लेकिन वो शियर स्ट्रेन होता है वो डेल्टा एक्स अपान एल होता है, या फिर टेन थीटा जो होता है और टेन अल्फा जो होता है लिमिटिंग केस में अल्फा के बराबर होता है, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एक्स ये है और ये है। तो ये सॉलिड के लिए हुआ, यानी सॉलिड पर जब हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब एक फ्लूड होता है और उस पर हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे पानी है, पानी को अगर एक ढलान दीजिए, ढलान देना मतलब शियर स्ट्रेस लगाना, तो बराबर बहता चला जाए, मतलब बराबर डिफॉर्म होता चला जाएगा। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, यानी लगातार डिफॉर्मेशन होता है, लगातार विरूपण होता है। इसीलिए सॉलिड और फ्लूड में ये अंतर होता है मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए कहते हैं कि इस पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि जो अल्फा जो हो रहा है ना, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, मतलब ये रुकने वाला नहीं अल्फा, ये बढ़ता रहेगा, फिर यहां कभी आएगा, फिर कभी यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ, मतलब अल्फा जो होता है यहाँ पे, या फिर इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, इसमें हम किसे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो यहाँ पे डी बीटा अपान डी टी इम्पॉर्टेंस रखता है, न कि अल्फा, मतलब केवल एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है, यानी बीटा में जो चेंज होता है समय के सापेक्ष, आप ऐसे लिमिटिंग सेंस में ये डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशियल आप समझ रहे हैं जो कैलकुलस में यूज करते हैं, तो उस सेंस में इसको कैसे लिखते हैं, डी बीटा अपान डी टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा, जब अगर कोई फ्लूड होगा तो वो शियर स्ट्रेस लगाने पर कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई सॉलिड है तो वो शियर स्ट्रेस, या फिर कहें कि टेंजेंशियल फोर्स को, टेंजेंशियल आप स्पर्शीबल जानते हैं, शियर स्ट्रेस को रिजिस्ट करता है, कब, स्टैटिक कंडीशन में रिजिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो होता है फ्लूड जो होता है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रिजिस्ट कर पाता है शियर स्ट्रेस को, किस कंडीशन में रिजिस्ट करता है, डायनेमिक कंडीशन में, क्योंकि जब भी शियर स्ट्रेस लगेगा किसी फ्लूड पे वो तुरंत किस में आ जाएगा, डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगा, यानी बहने लगेगा। यही कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ही फ्लो को बनाता है, फ्लो कुछ है नहीं फ्लूड का, फ्लूड का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के ही कारण होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मतलब इसका जो है फ्लो फ्लूड का किसके कारण होता है, तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यहाँ पे डी बीटा पॉइंट डी टी इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ पे केवल अल्फा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। आप लोग इसको पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड और फ्लूड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लूड मैकेनिक्स को या फिर हाइड्रॉलिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सब के बारे में हमने यानी जान लिया था, और फ्लूड क्या होता है वही डिफिनेशन इसीलिए बना कि क्या होता है कि जब उस पर शियर स्ट्रेस लगता है तो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, यानी लगातार विरूपित होता रहता है, ठीक है।
कोई तरल जो होता है वो लगातार विरूपित होता रहता है अगर उस पर शियर स्ट्रेस लगाया जाएगा तो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच के बारे में, जान लेते हैं होता क्या है इसके डिफिनेशन के बारे में। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी हाइड्रॉलिक्स पर भी आते हैं और न्यूमेटिक्स पर भी आते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये कैसा है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ब्रांच आप कह सकते हैं, जिसमें तरल पर लगने वाले यानी फ्लूइड्स पर लगने वाले बलों तथा उस बल या फिर जो भी बल लग रहे हैं उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं उस पर फ्लूइड पर लगने के बाद, उसका अध्ययन किया जाता है। एक डिफिनेशन ऐसे हो गया। दूसरा डिफिनेशन ये हो गया, हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम किसी तरल, किसी फ्लूइड के स्टैटिक या फिर डायनेमिक कंडीशन में बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उसके बिहेवियर, वो क्या बिहेवियर दिखाता है, क्या चीज़ें करता है जब वो स्टैटिक कंडीशन में है तब, और जब डायनेमिक कंडीशन में है तब क्या वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्या क्या जो भी उसका बिहेवियर होगा उसी को हम पढ़ते हैं। जैसे कि स्टैटिक कंडीशन में है तो क्या होगा कि अगर हम जैसे कि एक मान लीजिए एक बकेट में रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, तब भी अगर आप कहीं नीचे छेद करते हैं तो उसमें से बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। या फिर आप किसी को मतलब आप जैसे डैम है, ठीक है ना, कोई डैम बनाया जाता है तो जब पानी बह नहीं रहा है मान लीजिए स्टैटिक कंडीशन में है, तो डैम को कितना मजबूत रखा जाए, क्योंकि वो फ्लूइड उस पर क्या लगाता है, प्रेशर के कारण फोर्स लगाता है, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक कंडीशन में बिहेवियर हो गया उसका, ठीक है। ऐसे डायनेमिक में जब मोशन करता है तो कैसे फोर्स लगाता है, जैसे टर्बाइन चलते हैं आप जानते ही हैं, ठीक है ना, तो वो डायनेमिक कंडीशन में क्या बिहेवियर दिखाता है। और साथ ही साथ ये भी अध्ययन करते हैं कि अदर फ्लूइड के साथ बाउंड्री पर, अपने बाउंड्री मान लीजिए एक फ्लूइड है इसके मतलब बाउंड्री पर कोई और फ्लूइड है तो उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या उसका मतलब क्या बिहेवियर रह रहा है, इंटरेक्शन में क्या चीज़ें दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड बॉडी के साथ इंटरेक्शन भी होता है तो कैसा बिहेवियर रहता है उसका भी अध्ययन करते हैं। कोई सॉलिड बॉडी है मान लीजिए कोई जैसे वही फ्लूइड में वो फ्लूइड मशीन की एग्जांपल ले लीजिए या फिर हाइड्रॉलिक टरबाइन का एग्जांपल लीजिए, जब फ्लूइड जाता है तो इम्पैक्ट जब करता है उस सॉलिड सर्फेस पे तो क्या करता है, उन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि सॉलिड सर्फेस पे जब अटैक करता है तो क्या करता है, मोशन होता है या फिर जो भी चीज़ें होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। वो सब चीज़ें क्या पढ़ते हैं बस हमें बता रहे हैं, आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्या क्या पार्ट हैं, पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है, पहला होता है इसको आप कह सकते हैं पहला या कोई भी कहिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। जनरली दो भागों में बांटते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी को या फिर कहते हैं हम एक और नाम से गैस मैकेनिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे, संपीड्य तरल यांत्रिकी, संपीड्य तरल यांत्रिकी। मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी, गैस यांत्रिकी या फिर और क्या कहते हैं, और कहते हैं न्यूमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या है या फिर इसको एक और असंपीड्य तरल यांत्रिकी है जो कि इसको एक और नाम से कह सकते हैं हाइड्रो मैकेनिक्स। क्या है, हाइड्रो मैकेनिक्स, ठीक है, यानी द्रव, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव यांत्रिकी कहेंगे। ठीक है, द्रव जो होंगे उसमें क्योंकि वो इनकंप्रेसिबल टाइप के होते हैं इसीलिए उनको इस कैटेगरी में रखा गया, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे गैस हो गया, न्यूमेटिक्स
न्यूमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं वायुविकी। देखिए इसमें है क्या कि ऐसे सब्सटेंसेस का अध्ययन करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, या फिर बिहेवियर मतलब व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं यानी संपीड्य होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, जैसे एयर हो गया और भी गैसेज हो गई जो कंप्रेसिबल हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनका भी दो पार्ट है, एरोस्टैटिक्स और एरोडायनामिक्स। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, या फिर इसी को गैस स्टैटिक्स भी कह सकते हैं आप, और इसको गैस डायनामिक्स कह सकते हैं, यानी कि हम गैस के बारे में, गैस और उन पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो या फिर कह सकते हैं गैस के बिहेवियर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैटिक्स का मतलब जब स्टैटिक कंडीशन में है, एरो मतलब एयर, ठीक है, गैस मतलब कोई भी और गैस, तो जब ये स्टैटिक कंडीशन में होगा तो क्या इसका बिहेवियर रहेगा, डायनेमिक कंडीशन में होगा तब क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कभी कभी आप गैसेज का अध्ययन इसमें भी करेंगे, इनकम्प्रेसिबल में, कब, जब मोशन हो रहा हो, ठीक है, और मोशन में जो होता है एक चीज़ होता है मैक नंबर, ठीक है, मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब जो फ्लूड बह रहा है, फ्लूड गैस भी, गैस क्या है, फ्लूड है जो बह रहा है, और एक्वास्टिक वेलोसिटी उस मीडियम में जिस जो फ्लूड है उसके उसी मीडियम में और उसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, अगर ये मतलब उसका उसको क्या बोलते हैं, साउंड को मूव कराया जाए तो साउंड का क्या वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी साउंड का डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है ना। तो अगर एक रेशियो बहुत मतलब कम है, कम क्या कि 0.33 के आसपास है, इसको मैक नंबर कहते हैं, ठीक है, तब भी ये जो गैस जो बहेगा ना वो किस कंडीशन में आएगा, गैस या फिर एयर जो बहेगा तो किस कंडीशन में आएगा, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स के ही अंतर्गत आएगा, यानी कि उसमें कोई उतना परिवर्तन नहीं होता है, इसमें घनत्व में या फिर कहें आयतन में उतना परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उस कंडीशन में गैसेज भी इसमें पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि कहा गया गैस तो गैस ही, गैस का हर एक कंडीशन में इसी में अध्ययन नहीं, इसमें भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स में भी किया जाएगा जब मैक नंबर इतना हो, क्योंकि उस समय जो बिहेवियर होता है गैस का, फिर गैस का या फिर का ये एयर का, वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल टाइप का होता है, ठीक है ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में बहुत अंतर है, यानी संपीड असंपीड्य तरल और असंपीड्य बहाव में, फ्लो जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। अगर हमको स्कोप उतना रहेगा तो हम बताएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप इतना से समझ सकते हैं, इतना जितना बताएं इतना से ही आप जान सकते हैं, ठीक है, बहुत आगे की बातें हो जाएंगी। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एक है हाइड्रोस्टैटिक, एक है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, आप सब नाम सुने होंगे हाइड्रो, ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स और ये सब काइनेमेटिक्स हो गया, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हो गया, और एक और ब्रांच होगा जो कि उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाइड्रो डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के अंतर्गत, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत केवल और केवल मोशन का अध्ययन करते हैं, उसमें फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में, जैसे प्रेशर वगैरह जो फोर्सेज लग रहे हैं उसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में बस उतना अध्ययन करते हैं, और इसमें जो फोर्सेज लग रहे हैं यानी प्रेशर के कारण या फिर विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स आप पढ़ेंगे अगर होगा तो, वैसे तो नहीं होगा, विस्कस फोर्स का मतलब है जो विस्कोसिटी के कारण लग रहा है फोर्सेज जो भी उसमें आ रहे हैं फ्लूड के अंदर, विस्कोसिटी एक गुण होता है उसके कारण होता है विस्कोसिटी, आगे हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी से आता, उस गुण के कारण जो भी फोर्सेज आ रहे हैं विस्कस फोर्सेज जिनको कहते हैं, और प्रेशर फोर्सेज जो हैं वो सब लगने के, उनका जब अध्ययन करते हैं कंबाइंड वे में और मोशन का भी, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके केस में। तो हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज क्या है कि ये अध्ययन करने का अलग अलग हमारा नजरिया है,
बसरते हमको करना क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स ही। और ज़्यादातर पार्ट हम इसी का, कुछ पार्ट इसका पढ़ेंगे, कुछ पार्ट इसका पढ़ेंगे, कुछ पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रॉलिक्स की, हाइड्रॉलिक्स क्या होता है, ठीक है। और न्यूमेटिक्स यहाँ पे हो ही गया, न्यूमेटिक्स में क्या होता है स्पेशली एयर, ठीक है, एयर के बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग हाइड्रॉलिक्स। तो हाइड्रॉलिक्स, हाइड्रॉलिक्स क्या है, पहले भी जैसे बता चुके हैं, ये दो वर्ड हैं जिनका मतलब है पाइप और पानी। ग्रीक वर्ड है जिसमें अलग अलग बांटेंगे जब, तो उनका मतलब जो होता है हिंदी में जो मतलब होता है पाइप और पानी होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम अध्ययन क्या करते हैं, अगर पुराने समय की बात करें, जो पुराने समय में अध्ययन किया जाता था वो क्या अध्ययन किया जाता था, पानी का पाइप में फ्लो यानी बहाव, अथवा ओपन चैनल क्या होता है, जैसे कि नाली हो गया आपका, नहर हो गया, जो ऊपर से खुला हो, ठीक है। यहाँ तक कि पाइप भी ओपन चैनल का काम करेगा जब उसमें जो पूरा ना भरा हो, पाइप में पानी पूरा ना भरा हो, कुछ उसका मतलब फ्री सरफेस हो उसके अंदर ही, पाइप के अंदर ही, तो ओपन चैनल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो पानी का बहाव यानी पानी के फ्लो की बात हम करते थे हाइड्रोलिक्स में पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, अब फ्लूड मैकेनिक्स के जो भी लिक्विड पर जो भी यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स के सिद्धांतों का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स अभी देख रहे थे हाइड्रोलिक्स में, उन्हीं सब चीज़ों का अब जो है अध्ययन करते हैं, यानी कि उन्हीं का अध्ययन करते हैं, तो हाइड्रॉलिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले वही हैं, तो हाइड्रॉलिक्स नाम से पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे वही सब चीज़ें, ठीक है ना, जो अभी हम बता रहे थे। तो आज के समय में ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशंस तो सारी हो गए कि हमको क्या क्या मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में, हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब हम आएंगे जो हमारा अब मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, फ्लूड के गुण देखना है, ठीक है ना, फ्लूड यानी तरल पदार्थों के गुण। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, तरलों के गुण, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड देखेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले सभी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करते हैं यानी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड को लिखिए और एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, या फिर कोई स्पेशल नाम ही दे दिया, कह दिया कि विस्कोसिटी को डिस्क्राइब करिए या फिर सरफेस टेंशन को ही डिस्क्राइब करिए। तो क्या करना होता है, सारे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को लिखना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसमें से कोई एक डिस्क्राइब कर देना होता है, ठीक है। तो पहला है हम देखेंगे, पहला मतलब हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम, या फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कह सकते हैं, किसके टेम्परेचर प्रेशर की, फ्लूड के टेम्परेचर प्रेशर, सॉरी फ्लूड पर टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में पहले हम जानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऑन वॉल्यूम भी यानी आयतन पर। हिंदी में क्या लिखेंगे,
हिंदी में लिखेंगे आयतन पर तापमान और दाब का प्रभाव, या तरलों के या फिर कह सकते हैं तापमान और दाब का प्रभाव, यानी तापमान बढ़ने घटने, दाब बढ़ने घटने से क्या होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह की जगह नहीं हो सक भर नहीं हो नहीं पाएगा, ज़्यादा प्रॉपर्टीज हमको लिखनी है। और उसके बाद है हमारा डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं या फिर मास डेंसिटी, कोई भी आप बुक ले लीजिए उसमें लिखा होगा हिंदी मास डेंसिटी। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व जिसको कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक मास भी कह सकते हैं इसको, स्पेसिफिक मास। ठीक है, तो घनत्व की ही बात कर रहे हैं, तीनों नाम एक ही हैं, घनत्व की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको घनत्व तो कहते हैं, इसको द्रव्यमान घनत्व तो कहते हैं, इसको अपेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अपेक्षिक द्रव्यमान, हिंदी तो लिखने आएगा ना, बोल तो दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है वेट डेंसिटी। यानी भार घनत्व या फिर स्पेसिफिक वेट, तो हम लोग स्पेसिफिक वेट ज़्यादा नाम जानते हैं, प्रचलित नाम इसमें, इसमें प्रचलित नाम कौन सा है हमारा, इसमें है डेंसिटी यानी घनत्व, इसमें स्पेसिफिक वेट यानी विशिष्ट भार या फिर अपेक्षिक भार कहते हैं। ठीक है, अपेक्षिक भार कहिए और इसको भार घनत्व कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी। हम बस लिस्ट कर रहे हैं, अभी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हिंदी में कहते हैं अपेक्षिक गुरुत्व, क्या बोलते हैं, गुरुत्व। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। विशिष्ट आयतन या अपेक्षिक आयतन, विशिष्ट आयतन या फिर अपेक्षिक आयतन भी कहते हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। आप लोग जरूर इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कुछ इसके बारे में, या फिर डिप्लोमा के फिजिक्स में पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, स्पेलिंग देखिएगा CompressibilityY। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, इसके बाद हो गया सात नंबर हमारा प्रेशर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए प्रेशर, वैसे प्रेशर एंड मेजरमेंट इसके मतलब सेकेंड चैप्टर में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रेशर का एक नॉर्मल डिफिनेशन जानेंगे कि फ्लूड कैसे प्रेशर लगाता है या फिर उसका क्या परिभाषा है, दाब की बात करेंगे, और ये फ्लूड द्वारा दाब की बात कर रहे हैं, जो बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लूड के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो फ्लूड जब जो दाब लगाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, और हम जो है अपनी बात नहीं करेंगे कि हम जो बाहर से दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल अगर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं पर, यानी हर जगह हर बिंदु पर बल का मान बराबर बराबर हो रहा है, तो वही बिंदु पर जो बल का मान होता है या फिर वही कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, दाब कहलाता है। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि जो बल है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए पूरे क्षेत्रफल पर। ठीक है, चलिए, तभी वो फार्मूला लगता है बल बटे क्षेत्रफल का, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में हम जो कह रहे हैं ऐसा क्यों। उसके बाद बात करते हैं वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब की बात करते हैं, उसको वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं विस्कोसिटी की, या फिर विस्कोसिटी पहले भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बाद में देख लेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, विस्कोसिटी बाद में भी पढ़ लेंगे। विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं श्यानता, और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या होता है,
या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, इसी को हम पढ़ेंगे, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हो गया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शुद्ध गतिक श्यानता जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। 10 नंबर हो गए, 11वां नंबर आपका हो गया कोहेशन हो गया। कोहेशन क्या होता है, यहीं पर लिख देते हैं, ससंजन जिसको कहते हैं, ससंजन बल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बस ससंजन एक गुण है जो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद 12वां नंबर यहीं पर लिख देते हैं कोहेशन, एडहेशन हो गया, आसंजन हो गया, ठीक है, तो ससंजन हो गया, आसंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर सरफेस टेंशन, 12 हो गया, 13 सरफेस टेंशन की बात करेंगे, पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कैपिलरिटी का, कैपिलरिटी जो है ये सरफेस टेंशन का प्रभाव है, ठीक है। सरफेस टेंशन अगर ना होता तो कैपिलरिटी एक्शन भी नहीं होगा, कैपिलरिटी भी नहीं होगा, या फिर इसी को एक और नाम देते हैं कैपिलरी एक्शन, क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन, पृष्ठ तनाव, और इसको क्या बोलते हैं, केशिकात्व तो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, केशिकात्व तो, या फिर केशिका क्रिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब यही सब प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, ये 14 पहले प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एक एक करके, तो उसके लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।